दोस्तों, जब लग रहा था कि ये साल इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता, इस साल एक और बहुत बुरी खबर आई, जिसमें टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दिव्या भटनागर ने की निधन हो गया और वो अब हमारे बीच नहीं है। आपने, कई लोगों ने दिव्या भटनागर को ये रिश्ता क्या कहलाता में देखा होगा। टीवी जगत की मशहूर एक्ट्रेस थी, जिनको हाल ही में कोरोना हुआ और उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अब इस हादसे के बाद बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें बड़ा खुलासा उनके पति को लेकर हो रहा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पति के साथ घर वालों की मर्जी के बिना शादी कर ली थी और बाद में वही पति उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता था, शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर करते थे। और इसको लेकर दिव्या की क्लोज फ्रेंड देवोलीना भट्टाचार्य ने भी अपना बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, भट्टाचार्य ने एक वीडियो बनाई है, जिसमें वो देखी जा सकती हैं कि वो दिव्या के पति के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और ये चीज़ का खुलासा कर रही हैं कि दिव्या अपने पति से काफ़ी परेशान थी। उनके पति उन्हें अक्सर मारा करते थे, उन्हें मेंटल टॉर्चर करते थे, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भट्टाचार्य रोते रोते अपनी दोस्त की कहानी सुना रही हैं और ये बता रही हैं कि वो अपने पति से कितनी परेशान थी, इसके बावजूद कि वो अपनी फैमिली से लड़कर उनसे शादी की थी। एक छोटे से घर में दोनों रह रहे थे, इससे पहले वो बड़े घर में रहा करती थी दिव्या, लेकिन शादी के बाद उन्होंने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया और इसके बावजूद उनका पति उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, जिसके चलते वो बीमार रहा करती थी और अब हाल ही में उनका निधन भी हो गया। नेक्स्ट टाइम लाइव से आकाश की रिपोर्ट।